मुजफ्फरनगर के अंसारी रोड स्थित संजय सेल्स फर्नीचर के निकट पिछले 3 से 4 दिनों से एक व्यक्ति वहीं पर पड़ा रहता था, जो जिसकी उम्र लगभग 25 से 30 साल के बीच होगी। शरीर से शरीर नॉर्मल कंडीशन का है, परंतु वह बेहोशी की हालत में था। कुछ लोग गांधी कॉलोनी से उन्हें प्रतिदिन खाना देते थे। आज उन्होंने देखा वह बेहोशी की हालत में पड़ा है। वहां स्थानीय लोगों ने भी उसे उठाया, पर वो उठा नहीं है। बलजीत सिंह जी का कहना है कि हमने तब इसको खाना देने के लिए उठाया या उठाना, लेकिन यह उठा ही नहीं। उन्हें लगा इसकी शारीरिक हालत ठीक नहीं है, इसलिए उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को फोन करके एम्बुलेंस बुलाकर पुलिस सिक्योरिटी के साथ उसको वहां से उठवा दिया है और जिला चिकित्सालय भिजवा दिया है। अब देखना यह है कि इस पेशेंट की हालत कैसी है और क्या स्थिति है। किस प्रपोज में पड़ा था यहाँ? ये कई दिन से, 3-4 दिन से हम लोग यहाँ आ रहे थे खाना देने, दोनों तीनों टाइम तो बेहोशी की हालत में था। पानी डालते तो उठ जाता था, तो ऐसा लगता था ग्लूकोज लेवल इसका डाउन है, लेकिन आज ज्यादा ही हालत खराब थी। लोग, स्थानीय लोगों ने भी काफी पुलिस प्रशासन को भी फोन किया जी। लेकिन अब ऐसा लगा कि कोई संदिग्ध व्यक्ति है और यहाँ से हट नहीं रहा लगातार, तो CMO साहब को फोन किया गया और उन्होंने मौके पे एम्बुलेंस भेज के उसको रेस्क्यू करवा लिया है, उठा लिया है। अब जो भी होगा अपने हिसाब से देखेंगे। आपका सुनना? मेरा नाम बलजीत सिंह, प्रोग्राम ऑफिसर स्वच्छ भारत मिशन मुजफ्फरनगर। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल M4U न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं, जिससे आपको सभी न्यूज प्राप्त हो सके। संपर्क सूत्र 8445657566।